वेलकम टू वीएल मेमोरियल स्कूल। दिस चैनल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल स्टूडेंट, सो क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशन। हाय मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोग का विकास सर। एक वीडियो बनाया जा रहा है इस लॉकडाउन के समय में। इस समय सारे बच्चे अपने घर बैठे हैं, बैठे बैठे बोर हो गए हैं, तो बोर मत होइए, वीडियो पढ़िए और जिस चैनल को आपके पास भेजा जा रहा है उसके लिंक पर जाइए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। एक और अच्छी बात, बेल आइकन दबाना ना भूले। बेल आइकन दबाएंगे तो आपको सारे वीडियो मिलते रहेंगे जिसमें क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास टेंथ तक का मैथ मिलेगा और भी सब्जेक्ट मिलते रहेंगे। तो आज के इस वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों, एक छोटी सी संदेश कि लॉकडाउन में घर पर रहें, सुरक्षित रहें और विकास सर के द्वारा वीडियो पढ़ते रहें। तो आज हम लोग क्लास नाइन्थ का मैथ पढ़ते हैं इस वीडियो में। क्लास नाइन्थ लेसन वन, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में एक छोटी सी टॉपिक केवल आज हम पढ़ाएंगे, शेष आपको अगले वीडियो में मिलता रहेगा, डेली वीडियो मिलता रहेगा। नंबर सिस्टम में अगर नाइन्थ के मैथ में हम जाते हैं तो नंबर सिस्टम में पहले स्टार्ट होता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर आप लोग को पता है, आइए एक बार रिवाइज करते हैं रेशनल नंबर के बारे में। व्हाट इज रेशनल नंबर, हिंदी में परिमेय संख्या क्या है? रेशनल नंबर, अगर इस टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करें तो रेशनल नंबर क्लास थर्ड से हम लोग पढ़ते चले आए हैं, फैमिली में भी डिस्कशन होता रहता है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। आज क्लास नाइन्थ में भी हम लोग रेशनल नंबर पढ़ रहे हैं, आगे क्लासेस में भी ये मिलते रहेंगे। तो परिमेय संख्या रेशनल नंबर, ऐसी नंबर, वह संख्या जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। पी बाई क्यू क्या होता है, मतलब कुछ नोमिनेटर रहे, कुछ डिनोमिनेटर रहे, हिंदी में अंश भी रहे और हर भी रहे, कोई नंबर ले लो, जैसे 2/3, 4/5 हो गया ना, और 1/0, यहां आके आप फंस जाओगे। क्योंकि रेशनल नंबर की डिफिनीशन में एक बात और कही जाती है कि अ नंबर दैट या विच कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू बट वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। हिंदी में ऐसी सभी संख्याएं जिनको पी बटे क्यू, बोला ना मैंने पी बटे क्यू मतलब अंश और हर के रूप में लिखना, लिख सकते हैं बट क्यू नीचे वाला जीरो ना रहे, वो रेशनल नंबर होता है। तो ये 1/0 रेशनल नंबर नहीं है, 1 आपका रेशनल नंबर है, क्योंकि बच्चे जो भी नंबर होता है सबके बटे में आप 1 लिख सकते हो। 1 की मैंने बात किया तो 1 रेशनल नंबर है, क्योंकि हम 1 को 1/1 लिख सकते हैं। 5 भी रेशनल नंबर है, 5 को 5/2 लिख सकते हैं। तो आइए जरा इसका डिफिनेशन हम लोग लिख भी ले, रट ले, जब इतनी इंपॉर्टेंट चीज है हमेशा मिलता रहेगा, हमेशा इसको पढ़ना है हमको भी, हमारे बच्चों को भी, तो इसी को क्यों नाम रट के रखें। रेशनल नंबर इंग्लिश में अ नंबर विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ P by Q, where Q is not equal to zero. ये इंग्लिश डिफिनेशन हो गया, हिंदी में भी लिख दे आप लोग को आसान रहे। वह संख्या जो P बटे Q के रूप में लिखी जा सके, जहां क्यू जीरो के बराबर न हो, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये आप इसके एग्जाम्पल में ये सब लिख सकते हो, ये सब नंबर्स उसके एग्जाम्पल्स हो गए। ये रहा रेशनल नंबर। अब आपसे कोई पूछे 100 रेशनल नंबर है, बिल्कुल है, क्योंकि 100 को हम लिख सकते हैं 100/1। 2/3 रेशनल नंबर है, बिल्कुल है, क्योंकि 2/3 पी बाई क्यू के फॉर्म में है, नीचे वाला जीरो नहीं ना है, लेकिन ये रेशनल नंबर में नहीं आएगा 6/0। तो मैं आशा करता हूं कि हमारे सारे प्यारे बच्चे रेशनल नंबर के बारे में समझ गए होंगे। आइए क्लास नाइन्थ का मैथ पढ़ रहे हैं, तो नाइन्थ के मैथ में एक्सरसाइज 1A टच करते हैं बुक को। बुक में अगर हम लोग जाते हैं एक्सरसाइज 1A का पहला क्वेश्चन टच कर रहे हैं, तो ये क्या कह रहा है, हिंदी में कह रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? इंग्लिश में इज जीरो इज अ रेशनल नंबर।
आर्यन मतलब रेशनल नंबर, ये आपसे पूछ रहा है, तो इस पहला क्वेश्चन यही है। हिंदी में अगर इसको आप लिखोगे तो क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो जीरो एक परिमेय संख्या है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, जीरो एक परिमेय संख्या है। कैसे भाई? क्योंकि जीरो को अगर हम इसको सॉल्व करने चल रहे हैं, जीरो के बारे में डिस्कशन हो रहा है, तो जीरो लिख दिया मैंने। जीरो को हम लिख सकते हैं क्या? जीरो बटे वन, जैसे भी मैंने जस्ट आपको बताया कि प्रत्येक संख्या के बटे में हम वन लिख सकते हैं। फाइव है फाइव बाई वन, थ्री है थ्री बाई वन, हंड्रेड है हंड्रेड बाई वन, तो जीरो को भी हम लिख सकते हैं, जिसके बटे में कुछ नहीं वन हो गया, तो जीरो को जीरो बाई वन। अब चलिए इसके डिफिनेशन से इसको मैच करें। वह संख्या जो अंश हर में लिख सकते हैं, हाँ लिख लिया जीरो को, हाँ जीरो में अंश भी हो गया हर भी हो गया, लेकिन नीचे वाला जीरो नहीं है, हाँ नीचे वाला जीरो नहीं है, नीचे वाला तो वन है, तो स्वाभाविक है कि जीरो एक परिमेय संख्या है, ठीक है, क्योंकि हम जीरो को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिए इसको, लेकिन देख रहे हैं क्यू जो है क्यू जीरो, ये जीरो नहीं है वन है, तो ऐसे आपको लिख के बता देना है। लिख देंगे यस जीरो इज अ रेशनल नंबर। अभी आज ये नाइन्थ का मैथ वीडियो बनाना शुरू हुआ है, कल से और वीडियो मिलते रहेंगे, दो तीन क्वेश्चन डेली।